अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया हो और फिर पाल पोस कर बड़ा किया हो, वो माँ तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि बुढ़ापे में वही औलाद उसका जीना मुहाल कर देगी। खुद भूखी रह गई लेकिन बच्चों का पेट भरा और आज वही औलाद माँ को भूखा रख रही है। इतना ही नहीं, उसके साथ मार पिटाई कर जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं थाना लिसाड़ी गेट के इस्लामाबाद इलाके का, जहां 3 बेटे अनवर, खालिद और उमर फारूक अपनी 65 वर्षीय माँ महजबी के साथ आए दिन मारपिटाई करते हैं। अपनी 3 शादीशुदा बहनों तक को माँ से मिलने नहीं देते। इस बार तो आरोपी बेटों ने ईंट से माँ का सिर ही फोड़ दिया। पीड़ित माँ ने बताया कि बेटे पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए आए दिन उनके साथ मारपिटाई करते हैं। सुनिए इंसाफ के लिए SSP ऑफिस पहुंची पीड़ित महजबी से मिली जानकारी। क्या मामला हुआ आपके साथ? ये मारता, मैं मुझे जो बीवी कहती वो करता। कौन मारता? लड़का खालिद और एक और है, हाँ उमर फारूक। वो तो खैर मारता नहीं लेकिन आ जाता लड़ने। मारने रहने वाले? मैं भैया गुदरी बाजार की हूँ। लेकिन मैं थाना कौन सा लगता है आपका? नहीं, निसाड़ी गेट। मैं यहाँ शंभू गेट पे रहती हूँ। शंभू गेट जी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं बेटे, जाती हूँ। यूँ कहते हैं आपसी लेटर, आपसी लेटर। लड़कियों को जाने? लड़कियों तक को नहीं आने देता। मेरी जो कोई काम करे, मैं तो थक गई, मुझसे होता भी नहीं। करवा दे मेरे बच्चे मेरा काम। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।